हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस न्यूज़ के बारे में जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन्होंने क्यों बैन किया है और कौन कौन सी चाइनीज ऐप्स हैं जिन्हें हमने बैन कर दिया है। और जो इसमें सबसे ज्यादा जो हाईलाइट हो रही है वो ये है कि टिकटॉक इंडिया में अब बैन हो गया है, तो क्या हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे, क्या कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उनसे बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को प्रस्तुत करता हूं मैं अमन त्रिवेदी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो कौन कौन से ऐप्स हैं जो बैन हुए हैं, जो मेजर ऐप्स आप यूज़ करते हैं, उनमें से एक टिकटॉक हो सकता है। अगर आप यूज़ करते थे, शेयर इट यूज़ कर सकते हैं, आप में से काफ़ी लोग शेयर इट यूज़ करते होंगे, वो भी बैन हुआ है। यूसी ब्राउज़र का ज़्यादातर मोबाइल्स में ये ब्राउज़र पाया जाता है, तो ये भी बैन हुआ है। और साथ ही साथ हेलो ऐप, ये चार ऐप जो मेजर ऐप्स हैं जो बैन हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके अलावा 59 ऐप्स हैं टोटल आपके, टिकटॉक है, शेयर इट है, KWAI कवाई करके कोई ऐप है, यूसी ब्राउजर, बाइदू मैप, शाइन, क्लैश ऑफ किंग्स, डीयू बैटरी सेवर, हेलो, लाइक ऐप, यानी कि टिकटॉक बैन हुआ है, साथ ही साथ टिकटॉक के जो साथी एक उसके सब्सटीट्यूट हैं लाइक और हेलो, वो भी बैन हो गए हैं। यू कैम मेकअप, मी कम्युनिटी, सीएम ब्राउजर, वायरस क्लीनर, एपस ब्राउजर, इसके अलावा ROMWE, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, ब्यूटी प्लस, वी चैट, यूसी ब्राउजर, क्यूक्यू मेल, वी बोट, जेंडर, क्यूक्यू म्यूजिक, न्यूज़ फीड, बीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, आप में से काफ़ी लोगों ने यूज़ किया होगा, पर्सनली मैंने भी यूज़ किया है, मी का वीडियो कॉल, आपके मी के मोबाइल्स में ज़्यादातर में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, वी सिंक, ES फाइल एक्सप्लोरर, ये काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, वीवा वीडियो, ये भी यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, मी टू, वीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, ड्यू रिकॉर्डर, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, वॉल्ट, हाइड, कैश क्लीनर, ड्यू ऐप स्टूडियो, ड्यू क्लीनर, ड्यू ब्राउजर, हैगो ऐप, आपका कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, इसके अलावा वंडर कैमरा, फोटो वंडर, क्यूक्यू प्लेयर, वी मीट, आपका वी मेट है, वैसे ये इन्होंने वी मीट लिखा हुआ है, स्वीट सेल्फी, बाइदू ट्रांसलेट, वी मेट, क्यूक्यू इंटरनेशनल, क्यूक्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यूक्यू लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लीजेंड्स और डीयू प्राइवेसी, इतने सारे ऐप्स जो हैं बैन हो गए हैं। तो अब सवाल ये आता है, तो क्या इन ऐप्स को अब हम यूज़ नहीं कर पाएंगे? देखिए, जिन लोगों के पास ये ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं वो अगर चाहें तो उन्हें इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं, लेकिन ये ऐप्स अब आपके गूगल प्ले स्टोर पर इंडिया में अवेलेबल नहीं होंगे और जो हमारे ऐसे ऐप स्टोर्स हैं वहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगा, जैसे जो एप्पल ऐप स्टोर है या गूगल प्ले ऐप स्टोर है, ठीक है, उन पर आपको ये ऐप्स नहीं मिलेंगे। बाकी अगर किसी को बहुत इस्तेमाल करना ही है तो लोगों को APK फाइल्स वगैरह मिल सकती हैं, लेकिन आपको मैं पर्सनली सलाह ये दूंगा, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें बैन किया है, तो आपको इन सभी ऐप में से अगर कोई भी ऐप आपके ऐप में मोबाइल में इंस्टॉल है तो उसे आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया है तो कुछ सोच के किया है, क्या रीज़न है उसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपके मोबाइल में इनमें से कोई भी ऐप है, आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर कोई भी ऐप है आपके मोबाइल में तो आप इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि दैट इज़ नॉट सेफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ऑफिशियल है, दे आर नॉट टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ मीम्स और दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सोशल मीडिया बज़, ठीक है, वो उसकी बेसिस पे नहीं कह रहे हैं कि टिकटॉक नहीं यूज़ करना चाहिए, ऑब्वियसली बात है उनके पास कुछ जानकारी है, कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उन्होंने कहा है। तो क्यों कहा है इस पर जानते हैं। देखिए, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी ये निकाला है, इट्स पावर अंडर 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके तहत उन्होंने कहा है, इन द व्यू ऑफ द इमरजेंट नेचर ऑफ थ्रेट्स हैज डिसाइडेड टू ब्लॉक 59 ऐप्स सिंस इन द व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल दे आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज व्हिच इज प्रीजुडिशियल टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर, यानी कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की इंटीग्रिटी के लिए, सोवरेनिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये आपके जो ऐप्स हैं वो सही नहीं हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये भारत की जो हमारे हम यूज़र्स का जो डेटा है उसको ये लोग गवर्नमेंट ऑफ चाइना को ट्रांसफ़र कर रहे हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सिक्योरिटी है वो वीक हो सकती है, पब्लिक का सारा डेटा है तो वो हमारे जो जो मोबाइल ऐप्स हैं उन्हें हैक कर सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया है। बाकी चाइना और इंडिया के बीच में क्या हो रहा है, कहाँ टेंशन चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं। Over the last few years, India has emerged as a leading innovator when it comes to technology advancement and a primary market in digital space. At the same time, there have been raging concerns on aspects relating to data security and safeguarding of the privacy of 130 crore Indians, यानी कि भारत के जनता की privacy के साथ वहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है. These apps are not taking care of privacy well. It has been noted recently that such concerns also pose a threat to the
सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ आर कंट्री। सीधी सी बात है, आपको एक पता होगा, एक यूट्यूबर है नजमा आपकी, उन्होंने चाइनीज चाइना के अगेंस्ट एक वीडियो बनाया था टिकटॉक पे और वो तुरंत ही उन्होंने बैन कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो प्रो चाइनीज जो एजेंडा है वो उस पर पुल कर सकते हैं, बट जो अगेंस्ट चाइनीज एजेंडा जाएगा वो उसको तुरंत वहां से बैन कर देते हैं। इट मीन्स जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो तो कहीं पर रह नहीं गई, और उसके साथ साथ वो चाइना की जो एजेंडा है उसको और ज़्यादा प्रोमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। Ministry of Technology has received many complaints from various sources including several reports about misuse of some mobile apps available on Android and iOS platform for stealing and superstitiously transmitting users data in an unauthorized manner to servers which have locations outside India. यानी कि इनका जो सर्वर है सभी का चाइना में है और वो हमारी डेटा को चुरा के इंडियन चाइनीज गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। द कंपाइलेशन ऑफ दिस डेटा इट्स माइनिंग एंड प्रोफाइलिंग बाय एलिमेंट्स होस्टाइल टू नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ इंडिया विच अल्टीमेटली इम्पिंजेस अपॉन द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ मैटर ऑफ वेरी डीप एंड इमीडिएट कंसर्न विच रिक्वायर्स इमरजेंसी मेजर्स। यानी कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है जिसमें तुरंत ही हमें ध्यान रख देना चाहिए। The Indian Cyber Crime Coordination Ministry of Home Affairs has also sent an exhaustive recommendation for blocking these malicious app. इन्हें block करने का उन्होंने order दे दिया है। The ministry has also received many representations raising concerns from citizens regarding security of data and risk. इसके बारे में बात हो रही है। They have also received many representation from citizens regarding security of data. यानी काफी सारे लोगों ने भी complain की है कि इनमें data जो है वो हमारा सुरक्षित नहीं है। Likewise, there have been similar bipartisan concerns flagged by various public representatives both outside and inside the Parliament of India. There has been a strong chorus in public space to take strict action against these apps and that harm India's sovereignty as the privacy of our citizens. यानी कि लोगों ने भी इन ऐप्स का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई और इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मेज़र लिया है, ये कदम उठाया है। On the basis of these and upon receiving of these credible inputs that such apps pose threat to sovereignty and integrity of India, the government of India has decided to disallow the uses of certain apps used in both mobile and non-mobile internet-enabled services. These apps are listed in the attached appendix, जो मैंने आपको पहले दिखा दी। The move will safeguard the interest of crores of Indian mobile and internet users. This decision is targeted move to ensure safety and sovereignty of Indian cyberspace. तो भारत के साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कदम उठाया है। सो अगर आपके पास भी इनमें से कोई भी ऐप आप पहले से इस्तेमाल कर रहे थे तो इट वुड बी बेटर कि आप उसे अनइंस्टॉल कर दें। पूरी लिस्ट को आप एक बार फिर से देख लीजिए, उनमें से अगर कोई भी ऐप है तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। आप प्रोबेबिलिटी है इनमें से कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइडली फेमस हैं और काफ़ी इनका यूज़ हम करते हैं। ठीक है, सो ये जानकारी थी आपके बैन से रिलेटेड। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि बैन क्यों किया गया है। सिर्फ इसलिए बैन नहीं किया गया है कि लोग आवाज़ उठा रहे थे या लोग टिकटॉक की बुराई कर रहे हैं या इन सभी चीज़ों से, नहीं। बैन इसलिए भी किया गया है क्योंकि प्राइवेसी थ्रेट है, इंडिया और चाइना के बीच में टसल चल रहा है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो हमारे डेटा को चुराएंगे और उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग इन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर चुके होंगे, और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए। इसके अलावा वर्ल्ड पावर मेड इजी की समरी पूरी तरीके से कंप्लीट है, तो आप आई बटन में जाके उसे देख सकते हैं, उसमें पूरी प्लेलिस्ट में पूरी किताब आपकी कवर्ड हो रखी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अन अकेडमी पर मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ AMANT, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। आप मेरा अगर आपको फर्दर डिस्काउंट चाहिए या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी अगर क्वेरी होगी तो मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। 8299117042। ठीक है, सो अन अकेडमी पर आप मुझसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे अहेड, टेक केयर, बाय बाय।